अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल महसिन क्रिएशंस। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ब्यूटीफुल सा मेकअप जो कि है गोल्ड ग्लैम मेकअप। तो आप लोगों के साथ मैं ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चलें जी वीडियो की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया है एल्फ का नॉरिशिंग फेशियल ऑयल जो कि मैं अपनी हर वीडियो में यूज़ करती हूँ। ड्राई स्किन के लिए, ड्राई स्किन वालों के लिए बहुत ही अच्छा ऑयल है। इससे फेस मॉइस्चराइज हो जाता है और इसके बाद जब हम फाउंडेशन अप्लाई करते हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। करके भी देखिएगा आप लोग। तो यहाँ पर मैंने मॉइस्चराइज कर लिया है अपना फेस। इसके बाद मैं यहाँ पर एल्फ का फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ जिसका नाम है लाइट इवरी फेयर विद गोल्डन अंडरस्टोन्स। इसके जो फिनिशिंग आती है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त होती है और इससे ये क्रैक्स नहीं पड़ते फेस पर और फेस हैवी हैवी नहीं लगता है। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। इसके डॉट्स मैंने अप्लाई कर लिए पहले, फिर इसके बाद मैं ब्यूटी ब्लेंडर से इसको ब्लेंड कर लूँगी अच्छे तरीके से जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पर फाउंडेशन अप्लाई हो चुका है। इसके बाद मैं रेवोल्यूशन का जो है कंसीलर यूज़ कर रही हूँ जो कि है कंसील एंड डिफाइन। इसका नंबर है C2। ये बहुत ही अच्छा कंसीलर है। इससे मैंने थोड़ा सा ये लाइट कलर लिया था क्योंकि ये हाईलाइट भी कर देता है, हमारा जो डार्क सर्कल का एरिया होता है उसको हाईलाइट कर देता है। मुझे इसके अलावा कोई और हाईलाइटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जहाँ जहाँ मेरे स्पॉट्स हैं और डार्क एरिया है मैं वहाँ पर कर रही हूँ। ज़्यादा तो नहीं है, सिर्फ डार्क सर्कल्स का ही मुझे थोड़ा सा इशू है जो कि वो कभी किसी का भी बुरा नहीं होता है, नहीं जाता है। नींद भी पूरी कर लो, जो मर्जी कर लो, डार्क सर्कल्स नहीं जाने वाले। तो यहाँ पे हम डार्क सर्कल्स के लिए कंसीलर लगा लेंगे अच्छे से। मैंने BH कॉस्मेटिक के ब्रशेज यूज़ किए हैं यहाँ पे, ये बहुत अच्छे हैं और इससे बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। इसके बाद मैंने जो है अपने आईज़ को सेट करने के लिए फिटमी का मेबिलीन पाउडर यूज़ किया था हल्का हल्का सा, सिर्फ टचअप करने के लिए। इसके बाद जी मैं यहाँ पर जो है आई शेडो ग्लैमरस आई शेडो पैलेट यूज़ कर रही हूँ, उसका मैंने थोड़ा सा ऑरेंज कलर लिया, उसको ब्रश पे लगा के जो है मैंने अप्लाई किया है सिर्फ क्रीज पर थोड़ा सा शेड देने के लिए। इसको अच्छे से हमने ब्लेंड कर लेना ताकि हमारी क्रीज अच्छे से बन जाए। तो यहाँ पे अच्छे से हम लोग जो है ऑरेंज कलर अप्लाई कर लेंगे ताकि अच्छे से हमारा जो दूसरा शेड हम लगाएंगे तो वो अच्छा सा बन जाए। तो यहाँ पर जो है आप लोगों ने जो है ब्लेंडिंग बहुत अच्छी करनी है। जितनी अच्छी ब्लेंडिंग करेंगे हम लोग उतना ही अच्छा आई शेडो अप्लाई होता है। तो ये बिल्कुल भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। यहाँ पे जितना भी मेकअप मैंने यूज़ किया है ये मेरा अपना है, मुझे किसी ने भी स्पॉन्सर नहीं किया है। ये मेरे खुद की है वीडियो और मैं खुद बता रही हूँ आप लोगों को जो जो मैं कॉस्मेटिक यूज़ करती हूँ। तो इसके बाद मैंने यहाँ पर हुदा ब्यूटी का कंसीलर लिया है सिर्फ अपनी कट क्रीज बनाने के लिए जहाँ पर मैंने शिमर आई शेडो अप्लाई करना है। इससे इजीली जो है अप्लाई हो जाता है और कलर बहुत अच्छा आता है अगर आप कंसीलर लगा के ना कट क्रीज पर जब अप्लाई करते हैं शिमर शेड तो बहुत अच्छा शेड होता है। अभी मैं लगाऊंगी, यहाँ पे गोल्डन से शेड दिया है मैंने ऑरेंज के बाद। ये देखें कितना अच्छा कलर लग रहा है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे ज़रूर बताना है आप लोगों ने कमेंट में कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो कैसी लगी है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं, स्क्रीन पे ऊपर आ रहा होगा। मेरा इंस्टाग्राम का आईडी महसिन क्रिएशन है, फेसबुक का आईडी भी महसिन क्रिएशन है। तो यहाँ पर मैंने हल्का सा ग्रे कलर का वो लिया था शिमर, वो भी मैंने अप्लाई किया है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं किया है, थोड़ा सा किया था उसको मैंने। फिर उसके बाद फिंगर से ही मैंने ब्लेंड कर ली। ये हमारी आंखें रेडी हो चुकी हैं जी। आई मेकअप हमारा कंप्लीट हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। बहुत ही इजी था, मैंने सिर्फ 3 कलर्स को लेकर जो है किया है। और अब मैं दोबारा से ब्यूटी जो ब्लेंडिंग ब्रश होता है उससे लेकर ऊपर से थोड़ा सा ब्लेंड कर लूँगी ताकि सारे कलर्स एक साथ मिक्स हो जाए। यहाँ पर हमारा आई मेकअप कम्प्लीट होता है जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। तो अब यहाँ पर मैं अपनी आईब्रोज के लिए भी इसी आई शेडो पैलेट से कलर ले रही हूँ ब्राउन सा। तो यहाँ पर मैं हल्का हल्का सा सिर्फ टचअप देती हूँ अपनी आईब्रोज पे, ज़्यादा मैं वो नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं होती है। मेरी सिर्फ आईब्रो में थोड़ा सा गैप है, मैं वहाँ पर फिल कर लेती हूँ। इतनी ज़्यादा मैं प्रॉपर और बिल्कुल वो जो डार्क होता है ना वो आईब्रोज पे नहीं करती। तो ये देखें आप लोग, मैंने आई शेडो पैलेट में से ही कलर्स लिए हैं ब्लशों के भी और उसके भी। यहाँ पर मैंने काजल यूज़ किया है,
काजल से ये है कि आंखें थोड़ी बड़ी बड़ी लगती हैं, मेरी आंखें छोटी हैं, इसीलिए मैंने पे काजल अप्लाई कर लिया है। अब मैं अपने नीचे आईज के भी थोड़ा थोड़ा सा काजल लगाने के बजाय मैंने थोड़ा सा ये आई शेडो लगा लिया है। इससे भी आंखें थोड़ी बड़ी लगती हैं, जिनकी छोटी आंखें हैं वो थोड़ा सा इस तरह अगर यूज करेंगे ना आई शेडो तो उनकी भी आंखें अच्छी लगेंगी। जैसे अभी आप लोग देखेंगे मेरी आंखें भी थोड़ी बड़ी बड़ी लगने लग गई हैं पहले से। अब यहाँ पर मैंने हुदा ब्यूटी का मस्कारा यूज किया है, वाटरप्रूफ मस्कारा है ये, न्यूड वाटरप्रूफ मस्कारा। हल्का हल्का सा मैंने अप्लाई करना है, ज्यादा नहीं, लोअर लैश और अपर लैश पर। फिर हम जब आई लैशेस लगाएंगे तो फिर वो साथ में मिक्स हो जाएंगे। अगर हम मस्कारा नहीं लगाते हैं और लैशेस लगा लेते हैं तो फिर वो हमारी लैशेस अलग अलग से नजर आती हैं दोनों। अब यहाँ पर मैंने मिनीसो की जो है ये आई लैश ग्लू है वहां से ली थी, बहुत ही रिजनेबल प्राइस में मुझे मिल गई थी। तो ये लैश ग्लू आई लाइनर की तरह है, पहले हम अप्लाई कर लें या आप वो लैशेस पे अप्लाई कर लें कोई मसला नहीं है, लेकिन मैंने इस तरह लगाई थी, एक एक आई लिड पे लगा के थोड़ी देर वेट कर लिया, जब तक वहां लगाई वो ड्राई हो गई, वहां लगाने से वो ड्राई हो गई। तो इससे आई लैशेस बहुत अच्छी स्टिक हो जाती हैं, जैसे आप रखेंगे ना तो वो एक ही जगह स्टिक हो जाएगी। तो ये आई लैश लगाने का बहुत ही अच्छा तरीका है, इस तरह आप लोग आई लाइनर की तरह ग्लू लगा लें और आई लैशेस को जैसे रखेंगे वो स्टिक हो जाती है फौरन ही। पहले आप लोग सेंटर में रखें, फिर उसके बाद आप लोग साइडों से सेट करें तो बहुत अच्छी लग जाती हैं और फिर मुश्किल भी नहीं होती और ना आई मेकअप हमारा ख़राब होता है। जैसे आप लोग देख रहे हैं मैंने लगाया है, फिंगर से भी आप लोग सही कर सकते हैं, कोई वो ट्यूज़र ले सकते हैं उससे भी आप लोग कर सकते हैं। तो मैंने दोनों ही चीज़ों से आप लोगों को दिखा दिया। अब देखें कॉर्नर से मैं जो कर रही हूँ, इनर कॉर्नर से जो है मैंने उंगली से भी किया है, फिंगर से भी कर लिया है और उससे भी करके दिखा दिया आपको। तो ये बहुत ही ईजी वे है आई लैशेज लगाने का। अब यहाँ पर मैंने दोनों पर अप्लाई कर लूँगी। ये देखें जी दोनों पे अप्लाई हो चुकी हैं और कितनी अच्छी लग रही हैं आईज। अब यहाँ पर मैंने अतिका ऑडो का कॉन्टोर किट ली है कॉन्टोर करने के लिए, ब्राउन शेड, ये बहुत अच्छा है, इससे बहुत अच्छी कॉन्टोरिंग हो जाती है। और ये मेरा अब शेड ख़त्म हो रहा है तो ये मैंने बहुत यूज़ किया है, देखने से पता चल रहा होगा आप लोगों को, इससे बहुत अच्छी कॉन्टोरिंग हो जाती है मेरे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। यहाँ पे डबल चिन भी आप लोग अपने सही कर सकते हैं कंटूरिंग करके। यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारा मेकअप कंप्लीट होने वाला है, तो आप लोगों ने जो है मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो यहाँ पर मैंने नोज को भी हल्की हल्की सी कंटूरिंग कर ली है ब्रश की मदद से, ये दूसरे ब्रशेज मैंने यूज किए हैं। फिर उसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर से भी मैंने उसको शेड को जो है थोड़ा सा ब्लेंड कर दिया था। अब यहाँ से मैं ग्लैमरस आई शेडो पैलेट में से जो है लाइट पिंक सा कलर ले रही हूँ ब्लश ऑन के लिए। तो ये बहुत ही अच्छा ब्लश ऑन इससे अप्लाई हुआ था, मुझे अच्छा लगा था कि ये वाला कलर बहुत अच्छा, और इसमें हर कलर आपको मिल जाएगा, आईलाइनर के लिए ब्लैक मिल जाएगा, कॉन्टोरिंग के लिए ब्राउन मिल जाएगा, आईब्रोज बनाने के लिए भी आप लोगों को ब्राउन मिल जाएगा। और देखिए यहाँ पर मैंने ये लाइट पिंक सा यूज़ किया, कितना अच्छी इसकी पिगमेंट आई है, ये हल्का हल्का सा ही मैंने लगाया है और देखें कितना अच्छा पिंकिश कलर आ गया है। नोज पे भी लगा लें और आप लोग गालों पे भी लगा। और यहाँ पर मैंने ग्लैमर वालों का ही हाइलाइटर यूज़ किया हुआ है जो थोड़ा सा पिंकिश और सिल्वर में आ जाता है, तो इससे बहुत अच्छी कंटूरिंग हो जाती है, थोड़ी सी शिमर लुक आ जाती है। ये जो है मेकअप आप लोग नाइट में कर सकते हैं, जैसे रात को आप लोगों ने किसी पार्टी में शादी वगैरह में जाना हो, इस टाइप का मेकअप बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सा हम लोग आईब्रो के पास भी ऊपर लगा लेंगे ताकि हमारी आईब्रो अच्छे से डिफाइन हो जाए और हाईलाइट नज़र आए। तब यहाँ पर मैंने मिनीसो की लिपस्टिक ली है पिंक कलर की, पहले मैं वो अप्लाई कर लूँगी। थोड़ा सा पिंक सा शेड हो गया था, इसके बाद मैंने मेडोरा का पीच सिल्क कलर लिया था जो कि मेरा फेवरेट है, मैंने वो अप्लाई किया है इसके बाद। तो इससे जो है दोनों कलर मिला के अच्छे से कलर बन गए थे और यहाँ जी हमारा मेकअप कम्प्लीट हो गया है। तो यहाँ पे हमारा मेकअप कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर मैं इयररिंग्स पहन रही हूँ, इयररिंग्स मैंने जो है ये पाकिस्तान से लिए थे, अब मुझे याद नहीं कि मैंने कहाँ से लिए थे, तो ये झुमके मैंने वहीं से लिए हुए हैं। तो यहाँ पर जी कंप्लीट होता है मेरा मेकअप। तो मुझे ज़रूर बताइएगा आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है, अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो आप लोग मेरी कौन सी देखना चाहते हैं। अगर ये मेकअप मेरा अच्छा लगा है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अब आप लोग मेरे ये थोड़े शशके वशके देख लें, मैंने थोड़ी स्लोमो में बना दी थी, थोड़ा सा लुक चेंज कर दिया था स्टाइल वगैरह वीडियो का, तो आप लोगों को ताकि क्लोजअप में भी आप लोग देख लें कैसा लग रहा है मेकअप। और आप लोग ये ज़रूर अप्लाई करिएगा, मेकअप बहुत ईजी है, ज़्यादा मैंने कॉस्मेटिक इसमें ज़्यादा यूज़ भी नहीं किया, सिर्फ 3 शेड्स आंखों पे यूज़ किए हैं और देखें कितना अच्छी लुक आ गई है। बाल आप लोग जैसे मर्जी बना लें, मैंने इस तरह खोल लिए थे, मुझे इस तरह अच्छे लगते हैं। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ज़रूर 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 मैं वेट करूँगी आप लोगों के कमेंट्स का। तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पर भी मैं मेकअप वीडियोस डालती रहती हूँ, वहाँ पे ज़रा शॉर्ट वीडियोस डलती हैं तो मैं ज़्यादा देर जल्दी डाल देती हूँ, तो यूट्यूब पे एडिट करने में टाइम लग जाता है। तब आप लोग इंजॉय करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।